कानपुर मंडलायुक्त शिविर कार्यालय में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाने की अध्यक्षता में कानपुर के विकास कार्यों के महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। महाना ने कहा कि कानपुर महानगर के कई विकास कार्यों के संबंध में बैठक कर दिशा निर्देश दिए गए हैं। पिछली बैठक नवंबर में हुई थी, चुनाव के चलते आज बैठक हुई है जिसमें रोजमर्रा की जरूरत उसके बारे में चर्चा हुई। शहर में बिजली और पानी की समस्याओं पर भी चर्चा की गई, रिंग रोड पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का उद्घाटन 26 मई को हो रहा है जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एयरपोर्ट की ओर जाने वाले सभी रोडों को चौड़ा कराया जा रहा है और कई कार्यों के संबंध में चर्चा की गई। मीडिया द्वारा सांसद और विपक्षी विधायकों को बैठक में सम्मिलित न होने पर पूछे जाने पर महाना ने कहा कि बैठक के लिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, सूचना दी जाती है। बैठक में सभी विधायक, मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर, जिलाधिकारी विशाख जी, सीडीओ सुधीर कुमार, पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड आदि संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कानपुर महानगर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और रोजमर्रा की जरूरतें हैं जो आम व्यक्ति की, उसके बारे में चर्चा होती है, उसका एक सकारात्मक परिणाम भी निकल कर आते हैं सामने। पिछली बैठक नवम्बर में हुई थी लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण, चुनाव के कारण थोड़ी सी लेट हो गई है। आज बैठक हुई है, विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। रिंग रोड के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण सारे काफी लैंड एक्विजिशन हो गया, टेंडर भी अवार्ड हो गया और जल्दी उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, जुलाई के अंतर्गत उसमें काम शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट शुरू 26 तारीख को हो रहा है, अभी तक इस प्रकार की सूचना आई है। एयरपोर्ट के जो रोड है जीटी रोड से, वहां पर एक वो रोड है, लेकिन आज मेरे द्वारा ये निर्देश दिया गया कि जाजमो से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उधर से भी एक रोड जो खराब है उसको भी ठीक किया जाए, उसको भी चौड़ा किया जाए, जिससे कैंट में रहने वाले लोग या उस तरफ के रहने वाले लोग उसको रामा देवी से आके जीटी रोड की तरफ ना जाकर वहीं से डायरेक्ट वो वहां पर आ सकते हैं, उसके लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जल निकासी की, नाले सफाई की, उसके बारे में चर्चा हुई है। सैमसी झील के बारे में एक अच्छा स्पॉट वहां पर टूरिज्म का डेवलप होने के लिए, उसको भी हम जल्दी, काम पूरा हो गया उसको भी शुरू करेंगे। और विकास प्राधिकरण के द्वारा जो गरीब आदमियों के लिए प्रधानमंत्री आवास आवंटन किए वो भी पूरे हो जाएंगे नवंबर तक, उनका भी अलॉटमेंट हो जाएगा। शहर के विभिन्न विषयों के ऊपर बिजली की समस्या थी, बिजली की समस्या के बारे में भी चर्चा हुई है। बिजली की समस्या तत्काल काफी उसमें सुधार एक दो दिनों के अंतर्गत हुआ, आगे जल्दी ही कुछ जो इश्यूज बाकी बची हैं उसके ऊपर विभाग काम कर रहा है और उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। कानपुर में जो बिजली की समस्या है उसका समाधान जल्दी हो जाएगा। तो सारे माननीय जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे और एक सकारात्मक नोट के अंतर्गत बातचीत होती है, काफी अधिकारी अपने काम के मोड पर हैं और एक अच्छी टीम है काम करने वालों की। आज हमारे पास कानपुर महानगर में तो एक रूटीन बैठक है जिसको कानपुर महानगर के लिए आवश्यक होती है, उसको मैं करता हूँ। विकास कार्यों की बैठक थी, दोनों सांसद नहीं है, विपक्षी का कोई किसी को मैं निमंत्रण नहीं देता हूँ, ये विधायकों की या सांसदों की बैठक नहीं, विकास कामों की बैठक। कुछ कमियां आपको लगी कि जिनका सुधार करके? स्वाभाविक है, जिस समय जल निगम का विषय आता है तो उसमें कुछ न कुछ कमियां होती है, तो संबंधित अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार निर्देश दिए जाते हैं। उसका अभी रेलवे के आज अधिकारी किसी कारण से नहीं आ पाए थे, बाकी सारा उसके ऊपर वो नहीं, डिटेल में बातचीत नहीं हो पाई।